आज हम सीखेंगे आलू की चटनी। ये रेसिपी बनाने में काफी इजी है और बहुत ही टेस्टी है। इसके लिए सबसे पहले हम आलू लेंगे और उसे प्रेशर कुकर में डाल के उसे अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। बॉईल होने के बाद आलू के छिलके उतार देंगे और उसे बारीक टुकड़ों में हम काटेंगे। आप चाहे तो उसे स्मैश भी कर सकते हैं। इसके बाद हम उसे तड़का देंगे। इसके लिए हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हम 1/4 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे। और कुछ कड़ी पत्ता। अब हम प्याज को सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च की चटनी डालेंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और स्मैश किए हुए आलू डाल देंगे। और अब स्वादानुसार नमक और हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और ढककर 2 मिनट इसे पकाएंगे। दो मिनट बाद ढक्कन हटा लीजिए और आलू की चटनी सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आलू की चटनी आपको बेहद पसंद आई होगी और ये आपके खाने का स्वाद भी बढ़ा देगी।